एक मैं और एक तू। हैप्पी क्या बोलते हैं एक दया और एक जेठा प्यार के रिश्ते की अनोखी मिसाल की इस जोड़ी पर आज वैलेंटाइन डे का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। दोनों ही प्यार के रंग में पूरी तरह से डूब चुके हैं। वैलेंटाइन डे हो और दया और जेठा इसे अपने ही अंदाज में ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है भला। आया मेरी दया आजा मेरी बाहों में आ, ओ, 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 दया ऐसे में पहले तो दोनों ने एक दूसरे के लिए रोमांटिक गाना गाया। इसके बाद दोनों ने गिफ्ट देकर एक दूसरे को सरप्राइज भी किया। पहले दया ने अनोखे संदेश वाला ये बड़ा सा दिल दिया टप्पू के पापा को। क्या लिखा है? अच्छा ही लिखा होगा, मतलब ये मेरी तरफ से मेरा दिल, मैं आपको सौंप रही हूँ। आई लव यू, ऐसा कुछ लिखा? इतना बड़ा दिल है तेरा। अब जब दया ने वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है, अपनी दया के लिए उन्होंने फौरन एक क्यूट सा तोहफा पेश कर दिया, जिसे पाकर दया बेहद खुश हुई। एक मैं हूँ और एक तू है, सर ये मैं हूँ और ये तू है। क्या बोलते हैं? कैसा लग रहा है? जेठालाल ने अपनी दया को एक और छोटा सा गिफ्ट भी दिया, वो था एक गुलाब का फूल। और किसके लिए पगले? वैलेंटाइन डे के लिए, दिन के ऊपर मैं किसको दूंगा तेरे अलावा? हे गुलाब, लेकिन चॉकलेट का गुलाब तो खा सकते हैं। हम दोनों घर जाके आधा आधा खाएंगे, है? मुझे भी देना उसमें से आधा, पूरा गपका मत जाना। चलिए जाते जाते दया और जेठा, आप दोनों वैलेंटाइन डे पर अपनी राय देते जाइए। प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, प्यार प्यार होता है। दिल से अगर आप किसी को प्यार करते हैं, तो आप जिससे प्यार करते हैं वो अगर आपसे कभी आपको कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो भी आपको बुरा नहीं लगता है। आप मानोगे नहीं, अभी मेरी भी कैसी आवाज़ है, तो भी टप्पू के पापा ने मुझे अपना लिया ना। ए, बोलना मत दोबारा ऐसा। क्या कैसी आवाज़ है? वैलेंटाइन डे पर आप दोनों की ये मस्ती देखकर हम तो बस यही कहेंगे कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं, बल्कि मैड फॉर ईच अदर हो। स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।